ओ, तेरा भला हो जाए। मैं की प्यार विचो खटिया, 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 मैं की प्यार विचो खड़ू की प्यार विचो खटिया। चलो भाई, तुम्हारे दाने पानी का इंतजाम तो बाहर से ही करना पड़ेगा, यहां तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपस की बात है, जिंदगी हमारी कुछ भी नहीं, ना बीवी हमें अच्छी लगती है, ना ये जिंदगी अच्छी लगती है, बस तुम अच्छे लगते हो। बुढ़ी दिया गल्ला कोलो अकया, मैं की प्यार विच कट। अरे राजू, अरे भाई, भाई किधर भी सुबह सुबह मुंह उठाकर, भाई किधर भी सुबह सुबह वजन उठाकर। वैसे आप जैसी चीजें ना बारिश में से छप्परों में से निकलती। बुरा ना मनाना भाई, आप जैसी चीजें खुश्की के मौसम में समंदरों से निकलती हैं। वैसे एक बात है, आपसे मिलकर आदमी फ्रेश हो जाता है। आदमी फ्रेश होता है ना भाई, डंगर तो नहीं होते। तो आप ठीक है, क्या मतलब? क्या पूछ रहे थे तुम? मैं ये पूछ रहा था कि रात भर क्या नींद नहीं आई, इसलिए सुबह ही सुबह चलती है। बस क्या बताऊं भाई, सुबह सुबह मेरी बीवी जब उठती है उसको एकदम देखा नहीं जाता। मेरे घर में अमन अमान, ये कैसे हो सकता है? सत्य नास्ते हो। फिटे मुंह भाई तेरा। ना तो मुझे ये बताओ, तुम सुबह सुबह मुंह उठा के कहाँ चले जाते हो? हैं? तुमने मुंह नहीं धोया? और तुम्हें पता था मैंने आना है, तुमने मुंह क्यों नहीं धोया? ले मैंने आना है, और तुमने कौन सा कवेद से आना था? बहुत अच्छे कवेद से, सीधा मैंने कच्चे सांधे ही आना था। मुंह क्यों नहीं धोया? मुंह क्यों नहीं धोया? शेर मुंह नहीं धोते। हाय, बाकी जानवर भी नहीं धोते। क्या तूने मुझे जानवर कह दिया? मुझे जानवर कह दिया? सत्यानाश तेरा, तेरा घर, मैं भी बताती हूँ तुझे, तेरा खाना खराब। आए वे लोगों, मैं मुझे जानवर कह दिया। उनको क्यों कहती है, उनको पहले ही पता है। लो मैं जानवर लगती हूँ। एक मिनट की मिनट, जब तू मुझे मारती है मुझे मेरी अम्मा क्यों याद आती है? अब तुझे ना तेरी नानी भी याद आएगी। एक मिनट एक मिनट, मैं बाग में गया था, मैं वहां से आम तोड़ कर लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये मुंह धो के चुप लेना। इधर कर, मुंह धो के चुप लेना। मुंह धो के चुप लेना। ऐसे ही चुप ले, मेरा पीछा छोड़ दे कलमू ही। मुझे कलमू का, मुझे मुझे कलमू का। हाँ तो बच्चों, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता उसकी पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। वेरी नाइस। और जो बीवी अपने खामद की इज्जत नहीं करती उसकी पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। ये मेरी पतवा है, आप लोग क्यों हंस रहे हैं? तुम क्यों हंस रहे हो? ऐसे क्यों पप 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 क्यों हंस रहे हो? मेरी बीवी बात अब हो गई है या फिर खतरे का अलार्म है। दरवाजा खड़काया भी नहीं और खुल गया। तुम दरवाजा खड़काओ या ना खड़काओ,
मगर मैं आज तुझे ऐसा खड़काऊंगी कि तुम्हारे कानों की खिड़कियां खुल जाएंगी। ढोल पड़ा हुआ है अंदर, वो खड़का लो। तू भी खड़काऊंगी मैं। लेकिन क्यों? 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 मुझे पूछता है क्यों? तो मुझे ये बताओ, 1:15 की छुट्टी हुई है और 2:15 तक कहां थे तुम? मैं कन्वेंस पे था, मैं कोई जादूगर का बच्चा नहीं, फौरन आ जाऊंगा। हाँ, कन्वेंस पे था वो, मैं तांगे पे था तो रास्ते में। हाँ, रास्ते में छिमो का घर पड़ता है ना, इसलिए ना। चलो कान पकड़ो, मैं कहती हूँ कान पकड़ो, मैं कहती हूँ कान पकड़ो। देखो हम शरीफ लोग हैं भाई, पकड़ लेते हैं भाई। ये क्या शरीफ लोगों के साथ हो रहा है? ये देख भाई मालिक मकान, मैं तेरे सामने कान पकड़ता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इससे जान छुड़वा दे। हाथ ना जोड़ो भाई मिया, पैसे जोड़ो। और बीवी को हैंडल करने के तरीके होते हैं। हैंडल? हाँ जी, उसको तो हैंडल लगा ही नहीं। अब कंट्रोल यार, कंट्रोल। मैं भी कहूँ हैंडल। सीधे हो जाओ। मैं उतनी देर तक सीधा नहीं होगा जितनी देर तक तुम मुझे कोई हल नहीं बताता। अच्छा मैं बताता हूँ, सीधे तो हो जाओ, सीधे हो जाओ। की प्यार बीचो खटिया, किले नाल बच जा तू कटिया। मैं की प्यार बीचो। वैसे आदमी को तुम फ्रेश कर देते हो। देखो भाई मियां, बीवी और टीवी को रखने के तरीके होते हैं। यार टीवी के साथ तो भाई किताब मिलती है, बीवी के साथ क्या मिलता है? अब पागल का पागल, अब बीवी के साथ उसकी हैंड हिस्ट्री होती है। ये तो है भी पुराना मॉडल, इसका तो मैकेनिक भी कोई नहीं मिलेगा। छोड़ो इस बात को, कभी तुमने अपनी बीवी की तारीफ की? वो तारीफ के काबिल है? और नहीं भी है तो तू तो कर। या कभी उसके खाने की तारीफ की? या कभी उसके लंबे लंबे बालों की तारीफ की है तुमने? छोड़ो इस बात को, बहुत अच्छे। या कभी उसको कोई तोहफा दिया तुमने? वो तोहफा दिया तो कभी नहीं, लेकिन बेवकूफ, तोहफा देने से अक्खड़ से अक्खड़ बुड्ढी भी बुड्ढी बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। तोहफे, तारीफ, सैर, तोहफे, तारीफे। प्यार विचों है थैंक यू शुक्रिया नवाजिश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सत्यानाश, सुनो तो सही पहलवान, बात क्या है? मार क्यों रही है? अरे मार क्यों रही है मेरी अम्मा? भाई भाई, तुम्हें तो स्पोर्ट्समैन होना चाहिए था। 4 बच्चों की माँ बन गई, लेकिन ये जवानी वाली हरकतें नहीं गई तुम्हारी। कसूर क्या है मेरा? मालक मकान से मिलकर क्या साजिश कर रहे थे हैं? जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम्हारा मुंह चप्पल कबाब जैसा हो जाता है। देखो मैं कोई साजिश नहीं कर रहा था, मजाक कर रहे थे। तुम्हारी आंखें झील की तरह गहरी हैं। मैं तुझे दरिया में गोते दिलवाऊंगी, गोते। पागा मैं कितना खुश नसीब हूं, मुझे तुम जैसी प्यारी बीवी मिली। सच सच बता, ये पट्टी तुझे किसने पढ़ाई है? ओ मुझे पहले अपनी पट्टियां तो करा लेने दे, फिर बताता हूँ किसने पट्टी पढ़ाई है। बता न बता, बता। मैं कहती हूँ हंसना बंद कर दे, वरना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। क्या है ये? ये चिंगजी रक्षा है, तोहफा है। और क्या है? तोहफा? किसने दिया तुझे तोहफा?
जरूर चीमा कलमू ने दिया होगा। हैं? ओ मैं ये तेरे लिए लेके आया हूँ, क्या करती है? तोहफा लेकर आया है मेरे लिए? हजारों साल बाद तुझे ख्याल आ गया मुझे तोहफा देने का? हजारों साल? ओ तू सांवरी जादूगर की बेटी तो नहीं है? क्या मुझे सांवरी जादूगर की बेटी बोला? क्या ये तो मेरे नाम की नहीं है, ये तो जरूर छिमो कमोई के लिए लेकर आया होगा। हैरान की वाली बात है, उसके नाम कैसे आ? क्या निकल बात, निकल बात, मैं कह रही निकल बात। प्यार विचो खटिया मैं की प्यार विचो खटिया मैं की प्यार विचो खटिया। अब क्या हाल है तुम्हारी आंखों का? एक आंख से तारे नजर आ रहे हैं और दूसरी आंख से चांद, थोड़ा सा खराब। छीमो नजर आ रही है? ओहो तुम नहीं सुधरोगी। तो फिर? कुछ नहीं, चलो पट्टी खोलो, दारू डाल दूं। तुम्हें क्या वाकई मुझ पे शक है कि मैं छीमो या किसी और औरत को देखता हूं? नहीं, इतने बड़े घर में अकेले बूढ़ा बूढ़ी को जीने का कोई बहाना तो चाहिए। पागा आज तुझे क्या हो गया है? आज तुम्हारी आंख जख्मी हुई तो मेरी आंख भर आई। मेरी आंख के दर्द ने तुम्हारे दिल की दर्द को महसूस तो कर लिया है पागा, पर हम क्या कर सकते हैं? राजू आई लव यू। पागा बड़ा तेरा त्रे खान वाली बकरी वर्गा मुंह है। दफा दफा दफा। बंद भाई, अब तो मुझे बिस्ती करवाने की आदत पड़ गई है, लड़ाई होगी। राजू मैं सोचती हूँ मुझे कुछ हो गया तुम्हारा क्या बनेगा? हम मर गए हैं क्या? हम जिंदा हैं। हैं? लो तुम्हारा स्क्रैप आ गया। देखो कब्र में टांगे हैं और हरकतें देखो इनकी। भाई टांगे ही कब्र में हैं, मुंह तो बाहर है ना। ओ मेरे बच्चे। तो अम्मी जी आपने पहले क्या समझा था हम दूध वाले हैं? अल्लाह भैया। जाओ बेटा। अरे अब्बू आप तो लंबे होते जा रहे हैं, अब्बू लंबे होते जा रहे हैं। मेरा लाल नहीं, ये तो काला है। हुआ क्या है तुम्हें बेटा? डैड मुझे क्या होना, मुझे धूप में रखो छांव में रखो मैं एक जैसा। इधर आओ पीछे हटो मेरे लाल को मिलने। आपका लाल तो इधर खड़ा है डैडी। एक मिनट बेटा, ऐसे ऐसे। डैडी ये है लाल, ये जरा पत्थरों के नीचे रहा है। डैडी ये दरअसल मेरा पेट खराब नहीं होना था, आपने बचपन में रोका नहीं, मैं मिट्टी खाना रहा। भाई मेरी बहू तुम्हारी बीवी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। ये लो। मैं
मैं नहीं बोलता। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं नहीं बोलता, मेरे में मेरा यार बोलता। ओहो, क्या हुआ, क्या करते हो? मेरे कैरियर का मसला क्या? आप मेरी बीवी नजर नहीं आती, हालांकि उनके होते हुए कोई और नजर ही नहीं आता। अरे ये रही मेरी बहू, आओ टार्जन की वापसी। ओहो मेरे पारे बच्चे, मेरी बेटी, ये गुड़िया डडिया बड़े शरारती है, मैं सारा जानता हूँ। क्यों, मैं कुछ तुपे ढेड वड्डा नहीं किया। भैया आपकी कैसे फंस गई है? लोग खुशी में लाल होते, मेरा भाई नसवारी हो गया। अल्लाह भैया, मुझे तो नसवारी से याद आया, तुम्हारा नसवारी है। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि कहीं मेरे बेटे का मुझे रंग ही ना चढ़ जाए। अबू आपकी औलाद जवान हो चुकी है। डैडी, आपको मेरी चमक नहीं पड़ रही? क्यों नहीं? चमक तो पड़ रही है, लेकिन आंखों को ज्यादा पड़ रही है। अम्मी जी, आपने सारे शहर के पापड़ जोड़ के सूट बना लिया है। सलाम बाबा जी। ओह मेरा बेटा, मेरा बेटा भाई, शाना किधर है शाना? ओह डैडी डड्डू, असल में मैं आपका दूर का बेटा हूँ ना, इसलिए आपको नजर नहीं आता। ला दूर का बेटा हो तू, बेटा है के एनक है दूर की। कोई बात नहीं भाई, दूर के बेटे सवाने। भाई दूर का बेटा क्या मतलब है? ओह प्यारे डड्डू जान, मैं सबसे छोटा हूँ ना इसलिए। झूठ, सबसे छोटी तो मैं हूँ। मेरा बच्चा भाई, वो विक्की विक्की नजर नहीं आ रहा, विकी आया है या विक गया है? और डैडी क्या मुखौलियों जैसी बातें कर रहे हैं। हाँ? विक्की इधर किसी खंबे पे चढ़ के फ्री काले कर रहा होगा। दादा जा। अरे बेटा कुछ खाया पिया करो, मुझे ऐसे लगता मैं चांप को जफ्फी डाल रहा हूँ। मुझे खाने पीने यहाँ पे कौन देता दादा जान? क्यों? अभी तक आपके मुंह पे सालन लगा हुआ। वैसे वैसे बड़ी से आती है दादा जान। क्या बेटा क्या? और देखे आप इतने खूबसूरत हैं। हाँ? और हम सब बस क्या बताऊं बेटा, बच्चे सब अपनी माँ पे चले गए। लेकिन डैडी मैं तो रिक्शे पे गया था। मैं रिक्शे पे नहीं जाता। क्यों? मेरे कैरियर का मसला है। वैसे आप दादा जान बताएं मुझे। हाँ? आप किसी खूबसूरत औरत से शादी नहीं कर सकते थे? ये क्या भाई, ये क्या, ये तुमने ना छुपने के लिए अच्छा किला ढूंढा है भाई, ये किला तो वो रोजाना फतह कर लेती है। इस किले के बाहर आ जा, वरना मैं किले की बुनियादें हिला दूंगा। भाई क्या बुरा मना रही हो तुम, अगर बच्चे ने सच बोल दिया तो गुस्सा थूक दो। क्या तुम भी? ओहो, मैं तो जिप ठीक कर रहा था। आज इतना लाड आ रहा है, 40 साल हो गए हमारी शादी, पहले तो कभी इतना लाड नहीं आया। चलो छोड़, वो तेरा छाना है ना, वो कह रहा था कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो ना तो मेरी तरक्की हो सकती। मोटरसाइकिल के साथ तरक्की नहीं होती, चलान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी सिपाही के साथ फड्डा हो सकता है, लेकिन तरक्की नहीं हो सकती। चलो दे दो ना उसे पैसे। कितने? 50,000। 50,000? 50,000? 50,000? 50,000? मार खाने वाली आवाज निकाल, तू तो शेर कहने वाली आवाज निकाल ले यार। ऐसे कह रहे जैसे तुम्हें बड़े शेर की तमीज है। हां हां, पत्ती बल दी है स्टेशन पे, तेरी मेरी बिगड़ गई साबुन की गाची तो। लेकिन क्या दरिया धोने वाला शेर है भाई। लेकिन आज इसको भी धो दूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मारूंगा इसको। अब्बू जी आवाज आई ना मेरी, लाठियों की आवाज आई, कुकड़ की आवाज आ रही है, बहुत मारूंगा आज। आज मुझे कोई ना रोके, कोई ना रोके, बेगम तुम भी ना रोके। ना तो मैंने पहले कभी आपको रोका है। ला भैया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ओए नेशा, ओए अब्बा जी से 50,000 रुपया लेके कल ही हजम करना चाहते थे। मेरा फैसला यह है वीर कि इस रकम में से 50-50 होगा। बहुत अच्छे अब्बा जी, बहुत अच्छे। बहुत गुस्सा मुझे आ रहा है, बहुत गुस्सा। कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर,
आर पार क्यों याद आया उनको? क्यों? क्योंकि आपका मुंह ही कश्ती जैसा ना। जब आप लोगों ने अब्बा जी से पैसे पूछे थे तो मुझे क्या दिया था? बोलते हो ये लो तालियां, तालियां बजाओ। भैया आज मैंने इस घर का संगे मील रख दिया। बहुत अच्छे। नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे गुस्से में हो रहा है मेरे से। भैया वही आदमी आ रहा है। कौन? जिसको देख के अम्मी का हासा निकल जाता है। वो कौन है? अब्बा जी। ये मैंने पहली बार दो मंजिला कुकड़ देखा है। उठो भाई, उठो, पकड़ो उसे, पकड़ो। इस कुकड़ को बिठाओ और इस कुकड़ को पकाओ। अब्बा जी लगाते आप पकी है। बैठो बैठो बेटा बैठो। हाँ तो मेरे काले पीले और डरावने बच्चों, बेटा ये है मेरी जिंदगी की आखिरी पूंजी जो मैंने बैंक से निकलवा कर तुम लोगों को देने का फैसला किया है। ये है 50,000 रुपए का चेक जिससे इस गधे ने मोटरसाइकिल खरीदनी है। पापा वैसे कभी किसी गधे को मोटरसाइकिल चलाते देखा नहीं। बेटा मैंने गधे को कार चलाते देखा है। डैडी इसको मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है? क्यों बेटा? आप इसको साइकिल लेकर दें, इसने कौन सा मार्केट में बाकरखानियां सप्लाई करनी होती। बेटा साइकिल की तो तुम्हें जरूरत है। वो क्यों डैडी? तुम्हारे पेट का साइज जरा हल्का हो जाएगा। बहुत अच्छे दादाजी, बहुत अच्छे। भाई जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम सबको 2-2 लाख रुपया तकरीबन दे दिया है। मेरा 100 रुपया रहता पापा। बेटा कल तुम सफाई करने वक्त ले गए थे। याद नहीं? और एक बात मेरी ध्यान से कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने मेरे साथ कोई चलाकी करने की कोशिश की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। किसकी जरूरत है जो मेरे बच्चों की टांगे तोड़े? खून ना पीजोगी उसका? तुम्हारे सारे माल पर बच्चों का हक है, तू समझता क्या अपने आप को? ठहर सा। सुनो तो सही। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ इनका हक है, लेकिन ये भी तो अपना हक अदा करें भाई। हक क्यों नहीं अदा करेंगे? आखिर ये हमारे बच्चे हैं। हेलो। पैरी पहना अब्बा जी। मेरी जुती लानी है। ये लो भाई अपनी माँ से बात करो, मैं तो तुम्हारी शक्ल तो क्या आवाज भी देखना नहीं चाहता। आवाज सुनते हैं। मानो भट्ट बेटा कैसे हो? माँ जी मुझे आपके वो आलू वाले पराठे और वो गोभी गोश्त इतना याद आ रहा है जो आप मुझे चिमटे मार मार के खिलाया करती थी। देखें आपने मुझे कितना खिलाया, मुझे जरा भी नहीं लगा। पता नहीं आप डालडा खिलाती रही है। आवारा गर्दी कर रहे हो या कुछ बना भी हो? अरे नहीं अम्मी, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और बहुत सोनी छोकरी भी मिल गई है। नौकरी और छोकरी दोनों चीजें मिल गई हैं? क्या इधर करो जरा। क्या कह रहे हो भाई? अबू मैंने उसकी तस्वीर भेज दी है खत के जरिए, वो आपको 2-4 रोज में मिल जाएगी। देख के फैसला कीजिएगा किससे शादी कर रही है या वैसे घूमने के लिए पीस अच्छा है। अरे सुगी ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे पढ़ते हुए को हटा के काम पे डाल दिया। आज मैं जो भी हूँ उनकी बेवकूफियों की वजह से हूँ। मनी डार्लिंग अगर तुम्हारे मम्मी डैडी को मैं पसंद ना आई तो क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे ना? बिल्कुल नहीं। अरे पागल, कुछ शादियाँ ऐसी होती हैं जो माँ बाप को नहीं बताई जाती लेकिन शादियाँ होती हैं। हेलो। हेडमास्टर साहब ये आप क्या कर रहे हैं? मैं हाजिरी लगा रहा हूँ। हाजिरी वो लगाया करते हैं जो ड्यूटी पे होते हैं। आप ड्यूटी पे नहीं हैं, आप रिटायर हो चुके हैं।
रहा हूँ ड्यूटी पर। मुझे कल ही मालूम हो गया था कि आप रिटायर हो गए राजू साहब। चलो फिर से वही कपड़े पहनो। तुम्हें किसी ने गलत बताया है, मुझे 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। एक्सटेंशन मिल गई है? तुम सीधी तरह जाते हो या ठाउं डंडा? नहीं बेगम, मेरी नौकरी चली जाएगी, क्या कर रही हो तुम? किधरे नहीं जाती नौकरी वोकरी, देख लूंगी मैं नौकरी को भी। थोड़ी सी तो बात है, मैं यूं गया और शाम को आया। खबरदार जो घर से बाहर कदम निकाला तो चलो घर, चलो अंदर, चलो चलो शाबाश, चलो मैं कह रही हूँ तुम रिटायर हो चुके हो, किसी लुच्चे लफंगे से नहीं मिलना। चलो ना, मैं कह रही हूँ। भैया आखिरी चाप मेरे बच्चे ने छोड़ी नहीं भाई, अब उसकी बात खाने का मजा आ गया भाई। मुझे तो तुम्हारे बर्तन धोने का मजा आ गया भाई, और मुझे अपनी बीवी के नाम छुपाने का मजा आ गया, और मुझे तो मजा आया ही नहीं क्यों, क्यों? मेरी रोटी अम्मी खा गई भाई। मैंने तो आज कितने दिनों के बाद टीड भर के रोटी खाई है। बड़ा शुक्र है भाई, जो कारीगर मैंने बुलाए थे ना खाना पकाने के लिए, वो अंदर मरने वाले हो गए। चाहे मैं आपसे रुस गई हूँ। वैसे भी सारी फैमिली इकट्ठी हो तो खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। मैंने तो पहली दफा मकई की रोटी खाई है। लगता है साग में मक्खन कुछ ज्यादा ही था, पेट में तो मेरे गड़ गड़ हो रहा है। भैया आपको पता है आपको मक्खन रास नहीं है तो क्यों खाते हो? भाई घबराओ नहीं, घबराओ नहीं मेरे बच्चों, पिंड में मैं वाहद आदमी हूँ जिसके पास ये सहूलत भी मौजूद है। भाई मेरे प्यारे पापा, हाँ यही वो वजह थी जिससे घबरा कर आपकी बहू पिंड नहीं आती थी। भाई अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद है तो हम तो हर हफ्ते आ जाया करेंगे। एक मिनट बेटा, अब तुम लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने फैसला कर लिया है कि बाकी की जिंदगी तुम लोगों के साथ गुजारेंगे। हम दोनों ने फैसला किया है कि बारी बारी एक एक बेटे के घर हम दोनों रहेंगे। बेटा हम लोग ये जानते हैं कि तुम लोगों में से कोई भी हमें साथ नहीं रखना चाहता, लेकिन ये तुम लोगों को बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ये हमारा अटल फैसला है। अब तुम लोग चाहे पर्चियां डाल लो या कोई भी फैसला करो कि पहले किसकी शामत आई है, हम दोनों बाहर बैठते हैं। आगा आओ, इनको फैसला करने दो, ये जो भी फैसला करें। और एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, मैंने सारे पैसे निकलवा के तुम लोगों में पहले ही बांट दिए हैं। ओ कालिए, तू गौर से सुन लेना, ये जहन में रखना कि क्या है? इतनी देर हो गई, बच्चों ने अभी तक फैसला नहीं किया।
और मौज करने दे बच्चों को, लड़ाई का मजा आ रहा है। इस तरह कोई फैसला नहीं होने वाला। मैं तो कहती हूँ इस तरह करते हैं कि 6 महीने का टाइम कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। 6 महीने के लिए एक घर में मोम, ठीक है, दूसरे में डैड, सही, और 6 महीने के बाद तीसरे घर में मोम और चौथे घर में डैड। बगैर ही जा रहे हो यार, 20 साल की दोस्ती को 1 मिनट में भूल गए। याद रखो ये मकान जिसमें तुम रहते रहे हो, अब मैं ये मकान किसी को नहीं दूंगा, इसमें सिर्फ डंगर या बांधूंगा, डंगर ही बांधूंगा। डंगर बांधने की क्या जरूरत है, खुद ही घूमते रहना। कर दिया ना बच्चों ने रिफ्रेश। नहीं बेटा, माशाल्लाह इतनी बड़ी कोठी में रहते हो तुम यार। इतनी बड़ी तो नहीं है, हम कौन से घोड़े दौड़ा रहे हैं। टक 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 बेटा, मैं तो अपने आप को इस घर में अनफिट महसूस कर रहा हूँ। ओहो पापा, आपने कौन से पैर किए हैं, वन डाउन जाना आपने। ये जो कुछ भी है ना, जितनी बड़ी भी कोठी है, ये पापा सब कुछ आपका है।
वो मुझे दे देना, आपने इतना वजन नहीं उठाया हो पापा, मुझे पहले पता ही नहीं चला हो। नौकर। यस सर, 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 जी सर। वो सलमान खान के मालचिए, वो कच्ची आबादी के फरोज खान, ओए बड़े शहर के ओमपुरी, इनको सही बता क्या बात है? वो तुम्हें पता नहीं कि मेरे कैरियर का मसला है, ये क्यों भाग दौड़ है? चलो सामान उठाओ, सामान उठाओ, सामान उठाओ, सामान उठाओ, जल्दी करो। ओए ओए ओए, सामान उठाना है, जनाजा नहीं। ओए मुझे तो उतारो, ओ मुझे तो उतारो। पापा को क्यों उठा रहे, अभी उनका वक्त नहीं आया, ये उठाओ। अरे बात सुनो, इसके पीछे जाओ, कहीं अपने घर में ले जाइए। अपने घर में ले जाइए पापा, इधर माहौल अपना घर जो हुआ। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, क्या कि इतने अमीर हो, गाड़ी भी है तुम्हारे पास, लेकिन मुझे तुम चिंगची रक्शे में क्यों लेके आए? आप सवारी ही चिंगची की है, मेरा मतलब है मैंने सोचा आप अच्छी गाड़ी में बैठ कर कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, चिंगची में हवा आती है ना, हवा लगती है। ऐसे भी पापा स्कूल टीचर बेचारे चिंगची पे आते हैं, और कौन से स्पेशल आते हैं ना। हेलो, हाँ रजिया कैसी हो? हाँ हम लोग वापस आ गए हैं, वहां जाके पता चला कि सासू जी ने ससुर जी को बहुत मारा है और वो बेचारे लहूलुहान हो गए, तो मजबूरन हमें उन्हें अपने साथ लाना पड़ा क्योंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। हाँ, और आते ही हम सबको जख्मी कर दिया, हाँ टैची गिरा दिया ऊपर, सर पे चोट लग गई, बच्ची को चोट लग गई, अब आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे, समझ में तो मेरी को कुछ नहीं आ रहा, तो तंग आ गई। ओहो बंद करो सिर्फ, क्या बोल बोल बकरी हो तुम, तुम्हें पता भी है कि मैंने यहाँ सबको बताया हुआ मैं बहुत बड़े वजीर का बेटा हूँ। सॉरी बाबा, माफी चाहते हैं, बाप है आप हमारे, हम बेटे हैं आपके, इसमें कोई शक नहीं, वजह है आप हमारे पैदा होने की, शहर है ना ये, और यहां गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं मैं, स्कूल मास्टरों के बच्चों को ऐसी जगह पे नहीं घुसने देते जहां मैं खड़ा हूं। वैसे भी हमने सारे शहर में मशहूर कर रखा है कि मैं एक बहुत बड़े वजीर का बेटा हूं। यह मेरे बाप की तस्वीर है। बेटा हूं, किसने कह दिया तुम्हें तुम्हारा बेटा हूं मैं? ये है मेरे बाप की तस्वीर, जाओ अपना बेटा ढूंढो जाकर, कहीं मेले में जलेबियां खा रहा होगा तुम्हारा बेटा। मैं तुम्हारे जैसे आदमी का बेटा हो ही नहीं सकता, कहां तुम कहां मैं, न जाने तुम कौन हो, मैं तो बट हूं, देख रहे हो आगे फाड़कर नजर लगानी है, ऐसी तस्वीर है तुम्हारे खानदान में? कह दिया ना मैं नहीं हूं तुम्हारा बेटा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है?
बेटा बेटा बेटा, फिल्म देखी आपने बेटा? नहीं हूं तुम्हारा बेटा, जाओ। मैंने नौकरों की तरह पाला, जवान किया, उसको अपना नाम दिया, ये मेरा बेटा है। हालांकि इतने काले बेटे का कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये मेरा बेटा है। मैंने इतना उसे प्यार दिया, 80 रुपये उसकी चांड लाने के नाई ने ले लिए थे। मैं उस वक्त दे सकता था, मैंने दिए, तू मुफ्त में बाप बन गया। हाँ ठीक है, मैं नौकर हूं और तू पियो। मेरी तरफ आंख में आंख मिलाकर क्यों नहीं देख रहा? उधर क्यों देख रहा है? तू पियो है, मैं नौकर। मगर डर उस वक्त से जब उसको तुझसे बेहतर बाप मिल गया तो उसने तुम्हारी तस्वीर उठाकर बाहर फेंक देनी है रूढ़ी पे। और मैंने वहां तुम्हारी तस्वीर के पास मुजरे करने हैं कि अच्छा हुआ इसके साथ अच्छा हुआ। मगर इस वक्त तो तू बाप है और मैं नौकर। मैं अपने बेटे के बाप को सल्यूट करता हूं, बल्कि मैं हौसले की दाद देता हूं कि इतने मनहूस बच्चे को अपना नाम दिया है तुमने। मैं सल्यूट करता हूं, सल्यूट करता। और ये जो मैं उल्टे कदम जा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मेरे बेटे के बाप की तरफ मेरी कंड ना हो, हालांकि तुम्हारी तरफ मुंह तो करना ही नहीं चाहिए। तुमने मेरे साथ अच्छी नहीं की, अब ऊपर वाला बटन भी बंद करके शरीफ बन के बैठा हुआ है। तो नहीं गया, देख लो यार, तुम भी ध्यान से देख लेना। हाँ भी, हर चीज रेडी है? सारी चीजें मुकम्मल है, मुकम्मल है। खाना लग गया? लग गया जनाब। चलो बाहर चले जाओ, तुम दोनों जाओ, कोई चीज चाहिए होगी ना मैं खुद मंगा लूंगा। चलो बाहर चलो, जल्दी से बुला मुझे, जल्दी चलो, हरी अप मैं बुलाऊंगा ना फिर आ गए। आप बुलाएंगे बिना तो मैं तब भी नहीं आऊंगा। चलो मैं आ जाऊंगा। स्टूपिड, ये क्या कह रहे हैं आप? डार्लिंग, यहाँ सबको बताया हुआ ना कि बहुत बड़े वजीर का बेटा हूं मैं, किसी को भी पता चलना चाहिए, ये नौकरों को भी नहीं। हाँ ठीक है, वो डैडी कहाँ है, खाना नहीं खाना? तो बुलाए ना डैडी को। हाँ डैडी। अबू डैडी, कहाँ है आप? आप लोग घर में नौकरों को डैडी कहते हैं? समझा करें ना हमारी मजबूरियां, डैडी समझे ना आप। बस आओ ना खाना खाए, क्या मजबूरियां हैं आप लोगों? डैडी ये तो हेड ऑफ फैमिली की जगह है। हाँ भाई, ये हेड ऑफ फैमिली की जगह है, यहाँ पे वो वाली तस्वीर ला के रख दो। ओ, आप ही हमारी फैमिली के हेड हैं, बैठे तस्वीर रखे ना। मैं फैमिली का हेड नहीं, अब तो मैं टेप का हेड हो गया हूँ। टेप भी मेरा कोई चाइना की थी। शुरू करें ना। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। अब क्या करें, अभी कवाली रहने दे, अभी आपके तबले वाला नहीं आया, खाना शुरू करें। अच्छा अच्छा बेटा, बड़े अच्छे मौके पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए? नौकर है ना, बूढ़ा आदमी, ये खाना सारा लगाया ना, थक गया, थकने की आप बल्कि गिर गया, गिरे रहते हो बाबा। तो काम भी क्या करो, काम तो करते हो, खाया पिया भी करो कुछ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो, जो तनख्वाह भेज देते अपने बच्चों को गांव में, अपना भी ख्याल रखा करो।
चले जाए। क्या देख रहे बाबा मेरी तरफ, आज तनख्वाह का दिन है, जाए आप भाई, जाए भी ना, क्या कर रहे हैं आप जा। मुनीर साहब बड़े अच्छे लोग, आप आए, आप बैठे, तशरीफ रखे, खाना खाए ना, बैठे बैठे खाए खाए। भाई मुनीर साहब, आपकी भाभी ने इतने प्यार से कोफ्ते बनाए ना आपके लिए, 24 कोफ्ते बनाए, खाए ना आप, खाएंगे तो बता ना, खाए ले ले और भी ले और खाए ना। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। वो बाबा ना, उसको मैं बता दूं कि और डिशे लाओ। डैडी, पापा, ये एक्चुअली वो आदमी है ना जिससे मेरी करोड़ों की डील है, माफ कर दे मेरी। इस अफसर को भी बाप बना लो और मुझे जाने दो। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं पापा? सारी जिंदगी लोगों को समझाता आया हूं, अब मुझे समझने की जरूरत पड़ गई। दिल तो करता है तुम्हारी गिच्ची मरोड़ दूं, कि मैं अपने हाथ नहीं खराब करना चाहता हूं। पापा पीछे, पापा पीछे। बैठे हैं जैसे बाहर बहुत बारिश हो रही है। बारिश बाहर हो रही है, कीचड़ अंदर हो गया है। डैडी छोड़े इन बातों को, खाना खाए ना प्लीज, खाना खा लें, खा लें ना डैडी, नहीं प्लीज खाए ना, खाना खाए नहीं, कुछ तो ले लेना इस सालन पे ना, ये काला जीरा छड़क लो। डार्लिंग, मैंने कितनी दफा कहा मुझे डिक्टेट मत किया करो। अंधाधुंध काले बेटा, फोन करना था मैंने एक, ये फोन करने के लिए रखा है या बताओ, और मैचिंग रखा हुआ है? ये मिलता है, देखो डार्लिंग, यहाँ मिलता है, कितना फर्क है इसमें।
कब से इंतजार कर रही थी। कहा था तुम, तुम्हें कहा भी था आवारा गर्दी मत कर दे और टिक के बैठना था, मगर तुम सुनते कब। मेरे बगैर 6 घंटे नहीं निकाल सकते, 6 महीने कैसे निकालोगे। मैं यहाँ तो रे 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 जिंदगी है कहाँ। डैडी दिस इज माय बिजनेस टाइम, आप गाने सुना रहे हैं अम्मा को। बेटा वो मैंने इतनी देर बाद, हम बिछड़े थे। बिछड़े थे कहाँ, बिछड़े थे आंधी में तूफान में बिछड़े थे। ये लीजिए, बाहर जाके पीसीओ से करें और जितने मर्जी गाने सुनाएं। ये देख रही है कोर्ट, ये शादी में था, ये शादी का कोर्ट है अबू का, उतारते ही नहीं। कह रही है कि मनाने हैं, ना गर्मी में उतारते हैं ना सर्दी में उतारते हैं। बदखा भाई पीछे ना हटना, पीछे ना हटना। भाई तुम गैर औरतों को क्यों छेड़ते हो। अबे ये गैर नहीं है, इसकी रजिस्ट्री मेरे पास है। ये मेरी बीवी है, बीवी है, पकड़ लो इसे। और ना मुराद, और तू भी मेरे सालों की तरह इसके साथ मिल गया। मैं बचाऊं तुम महीने की तनख्वाह हो यार। बतखा भाई, ये क्या बतखा लगा रखी है भाई। अबे असल में मेरे नाना अबू को सारे मोहल्ले वाले चाचा बतखा कहते थे, उनकी शक्ल बतखे से मिलती थी और वो आपकी शक्ल मेरे नाने से मिलती है, इसलिए मैं आपको बतखा भाई। अरे भाई प्यार से कह रहा हूँ यार, प्यार। मैंने तुम्हें तो नहीं ना कहा तुम्हारा बेतहाशा मुंह, मैंने कहा आपको देखो ना हमारे बेचारे को चोट लगी होगी। ओए मेरी टांग में कुड़कू पड़ गया। क्या कुड़कू? कुड़कू यार, ये कड़ल सुना था, कुड़कू पहली बार सुना। अबे सांस फूली हुई हो तो कह जरा कुड़ल। अच्छा अच्छा, वो कुड़कू ही निकलता है। इधर भी जरा। मैम मैं हमदर्द हूँ, मैं दुनियापुर का मालशिया नहीं हूँ भाई। मेरा मतलब क्या, एक मिनट बात करिए। आप क्यों मार रही हैं? आप ये बताएं पहले कि आप सुबह सुबह मियां बीवी क्यों लड़ रहे हो। लड़ नहीं रहे थे, दरअसल हम दोनों जॉगिंग कर रहे थे। हाँ जॉगिंग? अरे ये हमारा जॉगिंग का अंदाज है। अच्छा, दरअसल ये तुम्हारी भाभी पिछले दिनों बहुत मोटी हो गई थी। तो ये राज वाली बात क्या है? अबे अच्छा, तो हमने सोचा कि जॉगिंग करें तो दौड़ हमसे लगती नहीं थी। अच्छा, तो फिर हमने ये सोचा मैं इसको अब छेड़ता हूँ, ये मेरे पीछे भागती है, हमारी दोनों की जॉगिंग हो जाती है।
मगर मैं ये हैरान हो रहा हूँ, ये तुम्हारे कहने पे कैसे रुक गई? ये तो किसी के कहने पे रुकती नहीं है। जब हमारी शादी हुई थी ना, अच्छा, इसके माँ बाप बहुत रोए, ये नहीं रुकी, ये मुझसे पहले जाके कड़म गाड़ी में बैठी। अब तुम सोचोगे कड़म कैसे बैठते हैं, हैं? ये कड़म होता है। अच्छा अच्छा, उसकी बार कड़म होगा ना, आप बैठोगे तो कड़म में हो गया होगा। क्या कह रहे हो यार? हाँ, दरअसल बात यह है भाई कि ऐसी ही जॉगिंग करने वाली मशीन हमारे पास भी है, इसीलिए ये रुक गई। तो वो मशीन आजकल किधर है तुम्हारी? बस क्या बताऊं भाई, क्या वो मशीन अब हमारे पास नहीं है। को खराब हो गई थी। ये सामने मेरा होटल है। अच्छा, कभी आना, बहुत अच्छा पिज्जा बनाती है तुम्हारी भाभी। अच्छा, लो हम जॉगिंग शुरू करने में, जरा बेल्ट बांध लो। बेल्ट? हाँ यार, ये बेल्ट है। हाँ यार, वो होटल ले लिया ना बेल्ट के लिए पैसे, नहीं तो ये बेल्ट। लो भाई, तुम्हारी उम्र मुझसे कोई 8 साल बड़ी है। ए, आजा। लो भाई, पिज्जा खाने जरूर आना, ये पिज्जा बहुत अच्छा बनाती है। जितना अच्छा बेवकूफ बनाती है, उससे अच्छा पिज्जा बनाती है। मिस्सी रोटी लाई। मिस्सी रोटी? अपने हाथों से पका के लाई। तब तो ये सारी खराब ही पकी होगी। मैं तो बहुत दिनों से मिस्सी रोटी को मिस कर रहा हूँ। मिस्सी रोटी ये है, मैं तो पिज्जा हूँ। पिज्जा? ये जले हुए टमाटर कैसे नजर आ रहे हैं? खा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, आप अखबार लेकर इधर बैठे हैं। क्यों बेटा, तुमने बेचने जाना था? ऊपर बेगम साहबा अखबार मांग रही हैं। ऊपर मांग रही हैं? ऊपर मांग रही हैं। अल्लाह उसे ऊपर ही ले जाए और ऊपर जाकर खबरें पढ़े। आप इधर लेके बैठे हुए हैं क्या? साथ वालों ने चावल बांटने हैं? पकड़ा है इधर अखबार, जात का नौकर और अखबारों को जफे। क्या हो रहा है ये? साहब जी, बेगम साहबा ऊपर अखबार मांग रही हैं और ये बूढ़ा नौकर इधर बैठा आराम से। बेगम साहबा के बाप की तलाक की खबर छपी है इसमें, जो बेगम साहब पढ़ेंगे अखबार पहले। सुनो मेरी बात, आज के बाद घर में सबसे पहले ये बाबा अखबार पढ़ेगा नौकर, फिर सब पढ़ेंगे अखबार। साहब जी क्या कर रहे हैं, वो नौकर है। छोड़ो, चलो आओ। नहीं जी, आप अखबार पढ़े पढ़े ना। पढ़े पढ़े, सारा पढ़े, सारा अखबार, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कोई रह ना जाए, सारा अखबार पढ़ना है। आप अखबार पढ़ेंगे तो सारा शहर नाश्ता करेगा ना, सारा शहर बैठा हुआ पढ़े अखबार। बल्कि अपने लिए कोई रिश्ते का इश्तहार भी देख लेना, आपने अखबार ही पढ़ना है और क्या। मेरा मुंह पढ़ी जा रहे हैं, आप अखबार पढ़े? वेले बैठे, फ्री बैठे, आप अखबार ही पढ़ेंगे और क्या। वैसे तो आपको अखबार पढ़ने का, फ्री अखबार पढ़ने का अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड? अवार्ड मिला था बेटा, अब तो अवार्ड को जंगाल लग गया है। दूर बातें कर रहे हैं, अखबार नहीं पढ़ रहे। ये देखिए क्या, कितनी अच्छी तस्वीर, ये कार्टून देखे कितना अच्छा है, बड़े बड़े पढ़े। हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। और तो कुछ कर नहीं सकते, आप अखबार ही पढ़ेंगे। हाय मॉम। हाय, कहाँ जा रहे हो? मैं केबल की फीस लेने जा रहा हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा, स्कूल जा रहा हूँ। बेटा दुआएं तो लेते जाओ। आपने अलादा मेडिकल स्टोर खोला यार। मैं दुआ की बात कर रहा हूँ। मुझे दुआएं नहीं चाहिए मॉम। क्यों? मैंने कौन सा पास होना?
एक मिनट और। इन मोछों का छत्ता किसने छेड़ा? और निकलो, निकलो यहाँ से, और निकलो जिन के पर करो, निकलो, भागो। How are you, young man? चले फिर बलीमे वाले तंबू। जाने से पहले एक जप्फी तो डालो। ओहो, तुम तो गले ही पड़ गई हो। ऐसे तो ना करो ना चा। आइए बस, मैं बहुत परेशान। आइए आप। ओहो आइए। मैं तो भाई क्या हो गया बतखा भाई, आप तो कुश्ती में ही गोते लगा रहे हैं। ये आप मुझे बार बार बतखा क्यों कह रहे हैं? मुझे बताइए कि आप बाहर बैठे रो क्यों रहे थे? रो नहीं रहा था भाई, मैं तो कह रहा था दस मैं की प्यार बिचो खटिया, भाई ये क्या आपने बाजार के चक्कर लगा के तो ये होटल नहीं बनाया? बस क्या बताऊं आपको, ये क्या ये गिरा लगी है ना सभी यार, नहीं तो बेल्ट क्यों नहीं पहना? असल में बस होटल खरीद लिया, बेल्ट खरीद नहीं सका, फिर इधर से गिरा लगा के लॉक कर लेता हूँ। भाई पर जाए किधर? फौत हो गई होगी। कब्रिस्तान चले? नहीं आज इतवार है, कब्रिस्तान छुट्टी। अरे बेवकूफ, अच्छी बली गुफ्तगू हो रही थी उसमें हरजाई का नाम ले लिया। ओ, वो देखो परजाई का जिक्र किया और आ भी यार अल्लाह ना करे कितनी लंबी उम्र है इसकी। तुसी आयो जी? आया नू दी आया नू? अरे अकेला आया है जी, कोई नहीं आया साथ। बड़ी वधिया पंजाबी बोल दे रहे हो तुसी पापी। अबे बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा। आपने फिर से दो मुहावरों का एक कर दिया। एक मुहावरा है, क्या कर रही हो? पूछो बतखा भाई से। भाई जान तुसी दसो एक के या दो ने? ओहो भाभी ये ना देखें कि मुहावरे दो हैं या एक है, ये सोचे कि इन्होंने आपको बंदर कहा है। बंदर कहा है मुझे? बतखा भाई मरवा दिया ना, मैंने बंदर कहा है, बांदरी हो तुम। क्या मतलब? चलो आइए बैठिए, खैर है ना? ये मेरी धोती ऊपर डालकर आ गए? बेटा जब तक तुम मुझे नया खेस नहीं लेके देते ऐसे ही करूंगा। ये तुमने रात के 2:30 बजे भाई क्या दुकान लगा रखी है? आप सो जाए जाकर, हमें बहुत काम करना पड़ता है। सोना क्या कठा है, तुम ये लाइट जला के बैठे हुए हो। तो दरवाजा बंद कर दे। बेटा दरवाजा बंद करने से चीथों में से लाइटें आती हैं और फिर नींद खराब हो जाती है। वैसे भी इस उम्र में नींद खराब हो जाती है। चलो मेरा बेटा उठ के सो जाओ, अब सुबह काम कर लेना सुबह। ये सब कुछ बनाने के लिए रातों को जागना पड़ता है, आपकी तरह खराटे मार मार कर सोने से कुछ नहीं बनता। ये ना कहो मेहनत तो हमने भी बड़ी की थी। मेहनत आपने खा की है, सारी दिहाड़ी बच्चों को सामने खिलार कर, एक दूनी दूनी दो दूनी चार, तीन दूनी छे बई चार दूनी अठ, पंजो दूनी दस बई छे दूनी बारह, एक दूनी दूनी दो दूनी चार, 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 जूती सुनानी पड़ेगी। क्या हुआ यादश भाभी? क्या हुआ
फुल्लू के पट्टे। चलो जाओ, तुम भी भाग जाओ। भटकने लगे हो, कल तुम भी कहोगे एक दूनी दूनी दो दूनी चार कि हमने तुम लोगों से मोहब्बत नहीं की। अरे मैं कसून मारूंगा तो फिर तुम्हें हो जाएगा, ये क्या कर रहे हो? खैर पूछने तो दो, हुआ क्या है बदखा भाई, हुआ क्या? बदखा भाई एक ही सांस में बता दो हुआ क्या है। वो तुम एक बात तीन सांसों में करते हो। बदखा भाई क्या हुआ, तुम इतने टेंस हो? कोई रहायशी छप्पड़ कुछ हो गया है? मैं एक किताब लिख रहा हूँ ना, उसके डायलॉग में ऊंची आवाज में याद कर रहा। अच्छा अच्छा, ये अबे ये तो बहुत अच्छी बात है यार। ये फैसल है, इसका अब्बा सस्ती अयाशी मुहैया करने वाली किताबें छापता है, बा तस्वीर। अपने अब्बे से कहा इसकी भी किताबें छापे, बा तस्वीर बे तस्वीर। ये क्या बदखा भाई, ये किताब सीरियस है या कॉमेडी? कॉमेडी, एकदम कॉमेडी। ये इसका मतलब ये किताब बसों में बिकेगी? सीरियस किताबों को आजकल कौन पूछता है। सही बात है, आजकल तो लाइफ को सीरियस नहीं किया जाता। सही बात है, माफी चाहते हैं बदखा भाई, हमने आपको परेशान कर दिया। बदखा भाई आप लिखें किताब, कागज पेंसिल लेके छप्पड़ के नीचे घुस जाए। नाम क्या है? इस किताब का नाम है एक दूनी दूनी दो दूनी चार। भागवान। भागवान? भागवान? भागवान कौन है इस कहानी में? ये भागवान वही नहीं है जो इस्माइल साहब ने एक फिल्म में कहा था, गाले तो सुन भागवान ने। भागवान वो है जो अपने भाग पे खुश है। इसका मरकजी किरदार कौन है? मेरी बीवी भागा। भाभी ने किताबों में काम शुरू कर दिया है। भागा जिसने मौत की तरह छाई हुई उदासी वाले घर को जिंदगी बख्शी। वाह 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 वाह। बदखा भाई आप इस उम्र में भी भाभी से इतना प्यार करते हैं, फिर तो आप लाजमन उनको नए दांत लगवा के देंगे। वैसे बदखा भाई आप कितना प्यार करते हैं भाभी बतखी से, मेरा मतलब भाभी से? ऐसे ही जैसे जिंदगी मौजूद हो और बत्ती मुक्की हो। अबे जैसे जिंदगी मौजूद हो उसका एहसास नहीं होता, जब छिनने लगे तब पता चलता है कि कितनी बड़ी नेमत थी। बड़ी दर्द होती है बतखा भाई। सॉरी। देखा देखा आपने, बदखा भाई 40 साल के बाद भी आंटी को याद कर करके रो रहे हैं। तो कौन सी बड़ी बात है, मैं जब से शादी हुई है रो रहा हूँ। क्या? मैं नहीं छोड़ूंगी आज, मैं तो हटूंगा। अरे मुबारक हो, लड़ाई लड़ाई में अल्लाह ने एक और दे दिया। माफी चाहते, ये रोज का रूटीन वर्क है। ये क्या हो रहा है? Oh my God, लगता है जैसे मेरे दिमाग में किसी ने खराब घड़ी फिट कर दिया है। टक टक टक। खराब घड़ी नहीं, ये आपके डैडी जान ने टिक 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 लगाई हुई है। Oh my God, डैडी जानते भी हैं कि मेरे कैरियर का मसला है। आपको अपने कैरियर की पड़ी है और बाहर आपके डैडी जान टाइपराइटर से खेल रहे हैं। खेलने के दिन तो नहीं है उनके, ऐसे खेल रहे अकेले भाग रहे हुए ग्राउंड पे। उठो जाके देखो।
उठो देखो जाके। हद हो गई, अवार्ड बर्दाश्त नहीं होता। आधी रात को गुरुदेव कीने की दुकान खोल रखी है। बेटा मैंने तुम्हारे मुंह पे छिछड़े मार दिए हैं। देख नहीं रहे मैं एक किताब लिख रहा हूँ बेटा। आपके हिसाब का वक्त सर पे है और आप किताब लिख रहे हैं। बस कर दे, बस कर दे। क्यों है? रात की इस खामोशी में आपकी इस खटाखट 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 से लगता है जैसे हमने घर में लूमे लगा लिए। बेटा लूमे लगाई है तो मलेशिया भी तो आ रहा है। मलेशिया को छोड़ो, रहने दो मलेशिया को। हमें कौन से बड़े कच्चे बनाने हैं? वैसे आपने भी बनियान ऐसे पहनी है जैसे सुबह 9 बजे आपका माइक टेस्ट से मुकाबला है। मुझे तुम ये बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे क्या तकलीफ होगी? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे कैरियर का मसला है, कैरियर का। यानी तुम्हें तकलीफ कोई नहीं है? मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? अभी तुम कह रहे थे नहीं कोई तकलीफ। ये और तकलीफ है पापा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक्चुअली आपकी बहू अंग्रेजी फिल्म देख रही है। हाँ? और अंग्रेजी फिल्म में तो ये खटाखट खटाखट सूट ही नहीं करता। क्यों? हमारी अंग्रेजी कमजोर है ना। तुम लोग अकेले अकेले अंग्रेजी फिल्में देखो तो मैं किसी चीज पे गुस्सा ना निकालूं। बस कर दे। ये आप अपनी ठोका ठाकी को बंद कर दें, बंद कर दें। यार तुम ये काम छोड़ो, कवाली करने लग जाओ भाई। कवाली मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे दाल खाने का कोई शौक नहीं। क्यों बंद करवाना चाहते हो इसे? तुम काली ये किस लिए बंद करवाना चाहते हो? पापा रात और दिन में बहुत फर्क होता है। रात की खामोशी दिन की ट्रैफिक। पापा ये और बात है, इसको बंद कर दें। तेरी मेहरबानी, जाके आराम कर, मेरा मेज का आला ना कर। अभी हम सीडी देख रहे हैं। हाँ। सुबह आपको सीडी देंगे, जी भर के देखिएगा। अभी ये बंद कर दे, ये ठोका ठाकी बंद कर दे, खुदा के लिए बंद कर दे। जब से ये दादी इस घर में आई है हमारा सबका सुकून बर्बाद करके रख दिया है। मछली मंडी बनाया हुआ इस घर को। आखिर हमारी भी कोई जिंदगी है? आखिर तुम दोनों खवातून क्यों लड़ रही थी? बेवकूफ के पुत्र, हम लड़ाई नहीं कर रहे थे। ले भी मॉम ने कहा, बड़े दिन हो गए लड़ाई नहीं हुई। मैंने मॉम से कहा, मॉम आ जाओ मुझसे लड़ लो, और मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे एक बात है, क्या तुमसे लड़ाई का स्वाद नहीं आया? उनकी क्या बात थी? एक मिनट, ठहरो। बैठ नहीं बांधी हुई।
ठहरो, तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या हुआ है? आज वैलेंटाइन है। आज स्पेशल डे है, मोहब्बत करने का दिन। वैलेंटाइन? अबे बता भाई, वैलेंटाइन नहीं जानते? जानता हूँ वैलेंटाइन, ये अंग्रेजों ने एक अय्याशी को फरोग देने के लिए स्पेशल डे रखा हुआ है। नहीं नहीं मक्खा भाई, इस दिन लड़के लड़कियों पे मोहब्बत की ट्राई करते हैं। क्या? हाँ हाँ, आज के दिन लड़की जो है ना, वो लड़कियों के कहते हैं आई लव यू। अगर लड़की हंस पड़े तो ठीक है, अगर मारने लगे तो कहते हैं बाजी आज वैलेंटाइन डे है। ये बता क्यों इतना खुश हो रहा है? और मैं फजूल में गालियां सुनता रहूं? नहीं अंकल, आपको हर हालत में भाई को भान करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो 3 रुपए मैं भर देता हूँ। नहीं ना भाई, कर लो यार कर लो, और खुद फोन मिलाना कहीं से, पकड़ा दो मिलाने के लिए, और ये फो 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 करता रहे और 60-70 रुपए बन जाए। अच्छा मिला लो, मिला लो। फोन करके ना पीछे बाग में चले जाना, वहां मैंने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। अच्छा, डांस वांस भी होगा भाई, क्या बात है, तुम भी आओ ना फिर। हाँ, अगर मेरी बत्ती ने मेरी बीवी ने इजाजत दी तो आऊंगा। लट्ठे दी चादर कुत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने दोनों दी दुख के ना लंग माया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उसको कहो मैं चंगड़ों का बच्चा हूँ। मिलते चल। नहीं वो कहो, सॉरी, आप बात कीजिए। हेलो ओ राजू, आपको अंकल अपने खामी से बात करने की तमीज नहीं है? आपकी बीवी से बात करने की तबीयत? खुशी कर देना तो। अरे इतना डालो खुशी, पागल हो गए क्या? आ गया ख्याल मेरा खावन साहब। राजू तू किसी छोकरी उकरी के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? बात हो रही है? हो रही है बात। वो चुप क्यों हो गए हो? डर गए हो या हार्ट फेल हो गया? अंकल कहो, विल यू माई? विल यू माई? अंकल बुटी माई? ये इश्क की बात हो रही है, तुम्हारी अम्मा की बात नहीं हो रही। तुम्हारी अम्मा की बात नहीं हो रही। क्या कहना? विल यू माई वैलेंटाइन? विल यू माई वैलेंटाइन? हैं, आज वैलेंटाइन है? ओ बेवकूफ, ये बीवी को नहीं कहते, महबूबा को कहते हैं। तुम ही मेरी बीवी हो, तुम ही मेरी महबूबा। आ खुश कितई राजू, आई लव यू एंड आई विल हैव योर वैलेंटाइन। तुम्हें तुम्हारा दिल ही तोड़ दिया। गंदी गालियां दी जो नाराज होके चले गए। भाभी फोन बंद कर दे, वो चले गए हैं। काश कोई हमारी भी महबूबा होती, हमें भी कहती वैलेंटाइन। मेरी बात सारे गौर से सुन लो, अगर किसी ने मेरे सामने आके डांस करने की वहां कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेगम तुम जरा ध्यान से रहना, पिछली मर्तबा भी तुम्हारे नीचे आके मेरा बहुमित आ गया था। लबिया बहुत कॉपी कर रही है आजकल मेरी। हैं तुम हमजी, क्या बात है, बड़ी फोन को जफ्फी डाली हुई, ये रोता है? चले जी, आगे बड़ी देर हो गई है। कहाँ जा रहे हो? हम जी वो मनाने जा रहे हैं, उसको क्या कहते बेगम? वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे वो मनाने जा रहे हैं। तुम जरा ध्यान से रहना,
पिछली मरतबा तुम टन हो गए शोरे में गिर गए थे। ले भैया ओ ले भैया मैंने सोचा दिया दे गया सोगाता सो अंकल क्या क्या हुआ क्या भाभी ने टेलीफोन पे चपेट मारी है क्या बताएं ना अंकल बताएं ना अंकल कहीं भाभी ने टेलीफोन पे चपेट तो नहीं मारी गालियां दी वही बात कही जिसका डर था क्या कह दिया उसने कहा आई एम वेयर यू आर वैलेंटाइन भाभी ने यही कहा है हाँ। इतनी बड़ी मैं बात कह दी और आप खामोशी से बैठे हैं बस यही तो टेंशन मुबारक हो अंकल क्या मेरी भाभी और आपकी बीवी आपके साथ फंस गई हैं ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो जहां तुम्हें होना चाहिए था क्या मतलब तुम्हें मेरी बाहों में होना चाहिए मुझे जाने दो मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ तुम ऐसे लड़के क्यों नहीं हो मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है तेरे डॉक्टर दी ऐसी भी तैसी बात तो सुनो भी विक्की मुझे ना डर सा लग रहा है काहे का डर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती मेरी बात तो सुनो विक्की तो सुनो आखिर तुम्हें हो क्या गया है विक्की तुम ऐसे लाते बात तो सुनो विक्की स्टूपिड ओ यू ब्लडी ओल्ड वुमन मैं तुझे ऐसा नहीं करना तुम्हारे जज्बात तो खत्म हो चुके हैं लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकती मेरे जज्बात खत्म नहीं हुए स्टूपिड मैंने अपने जज्बात को काबू में कर रखा है आज मैं नहीं रुकूंगी डोंट टच मी शट योर माउथ आई विल सेव माय पोत्रा इफ यू डू अगेन आई विल किल यू विकी कहाँ थी तुम बहू विकी को मैं अपने साथ ले गई थी घूमने फिरने आज वैलेंटाइन डे है ना हाँ वैलेंटाइन डे भला देखो इस औरत की उम्र है घूमने फिरने की याशिया करती फिरती हैं भाई खुद घूमो फिरो कम से कम बच्चे को तो साथ ना ना लेके जाओ इस ना बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है उसकी सेहत का तो ख्याल करो खामोश माँ आज तो दादी ने मेरी इज्जत बचाई है एक लड़की से क्या फायदा आए आए दादी माँ आ जाए ये ले चाय भाई क्या बात है चाय हा हा बहुत चाय पी जा रही है मुझे लगी आपकी शहर में आके कभी चाय पियो कभी बिस्कुट खाओ जो मर्जी खाओ आपको कौन सा बिल देना पड़ना है वैसे भी आपके कौन सा करियर का मसला है पियो पिए चाय पियो और ला भी पराठे ला दो चौरस पराठे खाएंगे गोल खाए आप ये तो बहू की मोहब्बत है वरना तुम्हें तो पता है कि मैं तो गांव में भी नहीं चाय पीता था गांव की चाय कौन सी चाय होती है पता कौड़ा पानी ये खुशबू वाली चाय है ये पहले आपको कहां नसीब हुई होगी
बदबू वाली कह रहे हैं चाय खुशबू वाली है। कहीं जज्बात में आके चाय छोड़ ना देना, बहुत कीमती है। चल पिए पिए ना, पिए भी और पिए। मैं कौन सा देख रहा हूँ, इधर मुँह लगता हूँ वही पड़ी पिटी। पिए ना, चले पिए भी अब पिए पिए। शर्म आ रही है, क्या हो गया? पी नहीं जा रही चाय। हाँ, बड़े लोगों में बैठकर चाय पीना मुश्किल हो जाती है। बड़े लोग या सड़े हुए लोग। ऐसा करो, मैं चले जाता हूँ, आप पी लें। क्या बात है डैडी, इतनी रात गए सिगरेट मांगने आए आप? टू मच डार्लिंग, शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपनी बहू के कमरे में मुंह उठाए चले आए हैं। आदमी किसी भी वक्त किसी भी हाथ में हो सकता है। आप किसी के कमरे में घुसे हैं विदाउट परमिशन, और आप जानते भी हैं कि मेरे कैरियर का मसला है। मैं बेटा पूछने आया था कि बहू की अब तबीयत कैसी है? सुबह बीमार थी ना, अब तो ठीक है। पर हम कोई आपकी तरह गरीब लोग नहीं कि बीमार आज हो और चार बात है। हम तो सिर्फ गाड़ी निकालते हैं। लड़का लो बीमार का पता कर लिया है? आप कौन सा फ्रूट का थैला भगे लाए हैं? फ्रूट मंडी के बाहर घूमते हैं आप? कभी बड़े बड़े आम खाकर ऊपर से कच्ची लस्सी पिए? कभी नहीं। आपको क्या पता कैसे किसी के कमरे में घुसते हैं? सॉरी बेटा। सॉरी तो आप ऐसे करें, स्कूल में लेट आए। आप मियां बीवी के कमरे में घुसे हैं? डार्लिंग, मुझे लगता है ये ना चाबी के सुराग से भी छोड़ो। आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। बेटा तुम लोग बत्ती बंद कर लिया करो। क्या दिन का बेटा डैडी, वैसे भी अंधेरे में जब मैं हंसता हूँ ये डर जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा जाएं जाएं प्लीज, ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं।
प्रॉब्लम है तो कमरे में चले जाओ। बता नहीं सकती थी कि मैं इधर हूँ, बैठी हमारी हरकतें देख रही है। अब मुझे क्या पता था कि तुम लोग अंदर आते ही ऐसी हरकतें शुरू कर दोगे। आप खांस तो सकती थी ना। हर रात को तो खांस खांस के सारे पहरेदार डिस्टर्ब किए होते, हमारी तरफ नहीं खांस सकती थी। तो बेटा मैं क्या वो बेटा मैं चलो खांसी नहीं बंदा ओ, 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 यही कर देता है। देखिए जी मेरी गल जरा गौर से सुने, जब तक 6 महीने तक आपकी मॉम इधर है ना, आपने मुझे बुलाना तक नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये क्या कह रही हो जानू? सही कह रहे, मुझे देखना भी नहीं है। मैं तेरे बगैर नहीं जा सकता। और मुझे हाथ भी नहीं लगाना। क्यों, तूने ना रंग करवाया? मेरे नजदीक भी नहीं आना। नहीं मैं जा रही हूँ, मैं मर जाऊंगा। रुला दिया है उसको जो तुमने, रुला दिया ना बेचारी को। अब वो रो रो के पूरे घर में चिकड़ करे, उसके रोने से इतने देर पानी खड़ा हो जाता है। अब पता नहीं वो कब हंसेगी। मुझे याद है पिछली मर्तबा वो बड़ी ईद पे हंसी गई। अब पता नहीं बड़ी ईद आती है कि नहीं आती। ना उसको कुछ कह सकते हो ना आपको कुछ कह सकता हूं। अल्लाह भैया, अल्लाह भैया, ये पता नहीं किस फ्रॉडी की तस्वीर है, मैं बाप हूं उसका। शर्म कर बुड्ढे, अपने मालिक के बाप को फ्रॉडिया कहता है। तू भी शर्म कर तोड़ी वाले को। नहीं अंकल, यही है मेरे दादा अबू। इस बच्ची को भी पट्टी पढ़ा दिया तुमने। मैं हूँ दादा अबू, और तू इस घर से निकलने वाली बात कर, वरना इतने ठुटे मारूंगा। ठुटा मारने का भी कोई फायदा नहीं, खमीरा आटा है टांग ही अड़ेगी। तू मारेगा ठुटे मुझे? तो जानता नहीं मैं कौन हूँ? मुझे पता है तू ट्रकों को धक्का लगाने वाला है। किसी और बाप की तस्वीर घर में लगाकर तरक्की की होगी। बकवास बंद कर। छोड़े मनीष साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? ये बुड्ढा अपने आप को आपका बाप कहता है और आपके बाप को गालियां निकालता था। देखिए बाबा, हमने आपको बाप का दर्जा दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे बाप ही बन बैठे। अपना बोरिया बिस्तर उठाए और निकल जाए यहाँ से। शर्म करें डैडी, अपने अबू से कैसे बोल रहे हैं? बदतमीज, बाप के सामने बोलती हो? नहीं बेटा, इसे कुछ मत कहो। आप चुप रहे जी, जिंदगी अजाब बना दी। चाहे आप यहां से कहीं और जाकर नौकरी ढूंढ लें, चाहे आप क्या देख रहे हैं, कल आ जाइएगा अपना हिसाब ले लीजिएगा। मेरे कैरियर का मसला है। आमिर साहब आए बैठते हैं ना, आए ना बैठते हैं, छोड़े शौक है तुझे मालिक की माँ बनने का। खामोश नहीं रह सकती थी तुम? अखे माँ हूँ मालिक की। ये सब कुछ नौकरों को बताकर तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ गई है। मिस पागा बेगम, अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और नीवी नीवी होकर निकले यहाँ से। मैं अपने बेटे की नुकरानी बोल रही हूँ। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? आज मैं आजाद हो गया। मुझे भी छुट्टी हो। बस फिर ठीक है, कुरड़िया वाला स्टॉप पर मेरी बस भी आएगी, तुम्हारी बस भी आएगी, वहां पर मिलेंगे, फिर सोचेंगे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। दादी,
अब तो जिंदा रहने को जी नहीं चाहता। तू मिल तो सही, इकट्ठे ही मरेंगे। जलील आदमी, उल्लू की पट्टी। आज इस बस स्टॉप पे तुम्हारी टांगे ना तोड़ी, तू भागा नाम नहीं है मेरा। मेरा नाम भी राजू नहीं। अगर तुम्हें इस सड़क पर कान ना पकड़वाए। बकवास बंद करो। इतनी जरूरत नहीं है तुम्हें कि मुझे हाथ लगा सको। ओ जा तू एडी प्रवीण बीबी बट पहलवान। ये बात तो तगड़ा हो जा, देख लेती हूँ मैं तुम्हें। तगड़ा हो जा। मुझे सारा गंदा कर दिया। माफी चाहता हूं मैं। के बच्चे। और ये तो कोई मीठी चीज। अबू, आप हैं? अबू? मानो बट बेटा। एक मिनट। नहीं बेटा। माफ कर दे बट साहब, मुझे नहीं पता था वो आपके अबू है। अब पता लग गया, नीचे बैठो। में तो बड़ी जान आ गई है। Thank you.
मजाक उड़ा रहे हो? और क्या बताते हो, या सर पे टेंटे मारूं? ये देखो क्या? ये सुलेहरी साहब ने जो फाइल लिखी अपनी किताब के लिए, उसे पढ़ के आदमी का हंसते हंसते दम निकल जाता है। ये देखो ये। बाप का पता करने आए हो या नौकर का? वो हमारे अबू हैं। तुम लोगों ने अपने बाप को नौकर बना के अपने घर में रखा, आज तक तो उसका पता करने नहीं आए। आज ये मालूम करने आए हो कि कारोबार में से कितना वक्त निकालना पड़ेगा उसका मुर्दा दफनाने के लिए? जब फाइल में से ये पड़ा कि बेटे के घर में रह रहा है बाप, नौकर बन के तो जी चाह तुम लोगों को गोलियां मार दो। गोलियां सिर्फ इसलिए नहीं मारी कि फांसी लग जाऊंगा, और तुम्हें मालूम है फांसी लगने से गर्दन पतली हो जाती है, और पतली गर्दन पे मेरा इतना बड़ा मुंह ठहर नहीं सकता। गोलियां तो नहीं मार सका, मगर तुम लोगों को गालियां जरूर निकाल सकता हूँ। कुत्तो कमीनो कदो, जाओ चले जाओ यहाँ से। अंकल हम आपके बेटे हैं। जो कुत्ते अपने बाप के सगे नहीं हो सके, वो अंकल के कैसे सगे होंगे? महंगी बिकी है, लोग हंस हंस के पागल हो गए हैं। ये लीजिए 10 करोड़ का चेक। खोती फिर बोर्ड के नीचे। सलाम पाजी। वालेकुम सलाम। अरे ये तो वही बीवी नहीं फिर इंडिया में? और मैंने समझा था इस दफा तुम गए हो इसका कांटा निकाल कर ही आओगे। और यार तुम इसे देकर प्यालियां क्यों नहीं ले लेते है? भाई साहब आपके सर में बाल तो आएंगे नहीं, पूछे ही रख ले। यकीन करें भरजाई, जब से आप इस गाँव से गए हैं मुझे तो ये गांव अस्पताल की तरह सुनसान लगता था। ना कोई शोर शराबा, ना कोई चीख छाड़ा, ना कोई गाली गलौज। अब चंद गालियां नहीं सीख के आई है, जिस वक्त मर्जी छेड़ के देख लेना। मैं तो कहता हूँ बड़ा अरसा हो गया, कोई हो जाए अभी मनोरंजन। ये क्या नया कूलर लेके आए? मुझे पहचाने नहीं। तुम क्या मेरे साथ लुकड़ मिट्टी खेलते रहे हो? और नहीं जनाब, जितना आपका जुस्सा आपके साथ तो लबड़ मिट्टी खेलना चाहिए। मानू भट्ट जनाब, मानू भट्ट आ गया दिन में। ओ मानू भट्ट कनाली चट। जेन को तुम भी फ्रेश कर देते जमी। मैं सिर्फ इसको भट्ट मानता हूँ। क्यों? बाकी बट्टों ने खाना छोड़ दिया? ये मेरे सामने बट्ट हुआ। अच्छा जी, इसके कागजातों पर मैंने गवाह के दस्तखत किए हैं। अच्छा, तो तब ये बट्ट बना है। वाह जी वाह। तब ये बस चुगली मुगली है। चुगली मुगली। चलो आओ बट साहब,
पवेलियन में चल के बैठते हैं, इन दोनों का मनोरंजन देखते हैं। हाँ जी। ये घर कितना खूबसूरत था, हमें इसमें रहते हुए इस बात का अंदाजा है। पागा, इतने दिनों के बाद मिले हैं, थोड़ी सी लड़ाई भी होनी चाहिए। लड़ाई वाली कोई बात तो हो भाई, ये को मोहब्बत है जिसका पहले मूड बनाना पड़ेगा। लड़ाई तो जहां से मर्जी शुरू कर लो। पापा, बड़ा तुम्हारा चोलखोर बतख जैसा मुंह है। तुझे बताती हूँ इसका मुंह है। छोड़ो भैया, नास मैं तुझे जानती नहीं। मैं कहती हूँ भाभी, क्या हुआ? भाभी हुआ क्या है, बताओ तो सही। और यार क्यों लड़ रहे हो भाभी से? अरे तुझे कैसे पता चला भाई ये तुम्हारी भाभी है? बतखा भाई, आपने भगवान में मियां बीवी की लड़ाई ऐसी मजेदार करके लिखी है कि मैं आप ही पहचान गया, यही बतखी है। अच्छा, भाभी है यानी भगवान? वो फाइल तुम्हारे पास रह गई थी? और क्या, अब वो फाइल नहीं रही, अब तो ऐसी बढ़िया किताब हो गई है। ओहो, जो बंदा भी पढ़ता है हंस हंस के लोट पोट हो जाता है। यानी इतनी ये ले, तो भी ले ले तो ये देखो। मुझे ये भी तो बताओ कि वो कामयाब कितनी हुई है? ऐसी कामयाब ऐसी इनकम शुरू हो गई है। अच्छा, तो अब आप लोगों को अंडे देने की भी जरूरत नहीं है? अंडे ये देगा अंडे, मेरा मतलब है कि काम करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, उसी का तो मैं 10 रुपए का चेक देने आया हूँ। 10 रुपए? 10 लाख का? 10 लाख? अरे मेरे पास 10 लाख आ गया, तू फारिग, अभी दूसरी शादी करूंगा। मैं फारिग? हाँ, क्या कह रहा? आप तो एक मिनट में शुरू कर देते हैं बात बात। आखिर आज हम भी साहिबे किताब हो गए। हाँ जी, आपकी बहुत शोहरत है भाई। इंसान अगर 15 मंजिला बिल्डिंग से गिरे और बच जाए तो शोहरत तो हो ही जाती है। ये ले दूसरी किस्त, 10 करोड़। 10 करोड़ डॉलर? नहीं, 10 करोड़ अफगानी। ओ, हम आपके एजाज में पार्टी देना चाहते हैं। क्या खिलाएंगे? गुल खिलाएंगे। आपने आना जरूर है। मेरी बीवी मारेगी। ऐसा करेंगे, उनको भी साथ ही ले हैं। ठीक है, बिल्कुल। भगवान पब्लिक में हिट हो गई, हमें करोड़ों रुपया मिला, हमें इससे क्या हर्ष कि इससे किसी के किरदार पर क्या अच्छा बुरा असर पड़ता है। मेरा पब्लिशिंग का कारोबार तकरीबन बंद होने वाला था। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं बड़े गोश्त की आड़त की दुकान कर लूं, मगर भगवान ने आके मेरे भाग लिया। पागल करें, अब मैं भगवान की मर्जी से किरदार मैडम पागा से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ। देखें जी, स्टेज पर आने को मेरा बहुत जी चाहता था, मगर ये तब की बात है जब स्टेज बहुत अच्छा हुआ करता था। मगर आजकल तो हर लड़की खुला गला पहनकर काम करती है, इसीलिए तो हर आर्टिस्ट को गले की बीमारी हो गई है, वरना नाचने किसे नहीं आता। और मुझसे अच्छा भला कौन नाच सकता है, मगर नाम बना हम गले की बीमारी नहीं करना चाहते। मैडम बागा हमारे लिए मोहतरम है, इसलिए उनके हर बात मोहतरम है। अब मैं किताब भगवान के मुसन्निफ, क्या नाम है जी आपका? राज सलहरिया।
राज खिलाड़ी से गुजारिश करता हूँ कि उस स्टेज पर तशरीफ लाए। मेरी बीवी ने मुझे मारा, जलील किया, मैं बेहिस नहीं हुआ, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे ना मारा ना जलील किया, फिर भी मेरा दिल कहता था कि मैं बेहिस हो जाऊं। मेरे बच्चे बड़े खोज चल रहे, ये वो लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर गधे को बाप और जरूरत पूरी हो जाने पर बाप को गधा कह देते हैं। अब इनका बाप राइटर निकल आया है, अब ये मेरे मरने के बाद मुझे दरवेश फकीर साबित करेंगे और मेरी आने वाली नस्ल मेरा नाम बेच बेच कर। औलाद ने बाप को ही खाना होता है, कभी उसका माल खा लिया, कभी गोश्त खा लिया जीरा डाल के, और इस औलाद के बस में हो तो ये बाप की पांव भी खा जाए। इनका दिल करता है कि बाप की मुर्कनी हड्डी लेके अड़च करके खा जाए। अगर बाप राइटर निकलाए तो बाप का मुर्दा बेचकर खा जाते हैं, सरकारी दरबारों में जाके सदा लगाते हैं, हमारे बाप के नाम का दे बाबा, हमारे बेटे को डीसी लगवा दे बाबा, हमारे बेटे को सफीर लगवा दे बाबा, हमारा बाप राइटर था बाबा। मगर मैं तमाम बूढ़ों को ताकीद करता हूं कि मेरी उम्र के बारे में कोई ना बताए, और ये भी कहूंगा कि अपने बच्चों को सिर्फ उतने ही पैसे देना जिनसे उनका गुजारा हो सके। तुम्हारे मरने के बाद तो आपस में बांट ही, ये बच्चे दीमक के कीड़े हैं, बाप सारी जिंदगी गुनाह सवाब इनके लिए करता है, ये उसी को खा जाते हैं। कोई बता सकता है कोई कि ऐसी औलाद पैदा करना बुरी बात है या अच्छी बात है? कोई तो जवाब दे। तुम जवाब दोगे? तुम दोगे? अरे कोई तो बोलो। फिर भी मैं यही कहूंगा कि सारा कसूर मेरी बीवी का है जो कहती थी कि औलाद में थोड़ी कसैली बीवी थी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मीठा ही पैदा कर ले, तू कर ले मीठा पैदा। क्या कहा? कौड़ी कसैली बीवी? तुमने मार तो नहीं खाई? सुनो, मेरे नजदीक आना तो मैं तुम्हारे कान पकड़वा के तुम्हें फेंटी लगाऊंगा। मेरे कान पकड़वाएगा? इतनी जिल्लत है तुम में? अब मेरे पास पैसा आ गया है, अब मैं भी कान पकड़। क्या 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 कर रहे हैं भाई साहब? चुप करो, मैं दूसरी किताब लिख रहा हूँ।